कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा? इस समय में मुझे कुछ राजयोग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा समय आपके लिए दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल तो कुछ अनुकूल भी दिखाई दे रही है। इन सब का आपके ऊपर में क्या प्रभाव होगा, कितना बढ़िया कितना बुरा रिजल्ट देगा, इन सभी विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार कुछ भी जानना चाहते हैं, विशेष जानकारी पर्सनल जानकारी चाहिए, तो उनके लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजना होगा, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सज्जनों, जुलाई महीने का जो मकर राशि वालों के लिए कुंडली बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें से कुछ ग्रह जो है स्वस्थान परिवर्तन भी करेंगे, जैसे कि सूर्य 16 जुलाई के बाद कर्क राशि में आ जाएंगे, बुध 19 जुलाई के बाद सिंह राशि में आ जाएंगे, मंगल देवता 12 जुलाई के बाद वृषभ राशि में आ जाएंगे, इसी प्रकार से शुक्र देवता 7 जुलाई के बाद कर्क राशि में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का राशि परिवर्तन है, ग्रहों के स्थान में परिवर्तन होगा। एक एक करके सभी ग्रहों के फल को समझने का प्रयास करेंगे। आइए चर्चा को आरंभ करें नारायण का नाम लेकर के। नारायण, सबसे पहले सूर्य से चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य देवता आपके कुंडली के छठे भाव में यानी कि मिथुन राशि में विराजमान है। छठे भाव में मिथुन राशि में विराजमान होने के कारण क्या होगा कि शत्रुनाशक योग बनेगा। दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो सूर्य उसका नाश कर देंगे। आपके तेज में वृद्धि होगी, आप इस समय में तेजस्वी कहलाएंगे, आप वीर्यवान भी कहलाएंगे, आपके वीर्य में भी शक्ति आएगी, पिता बनने की ताकत आएगी। माता जी को किसी प्रकार का कोई कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी संभावना है। वैसे शरीर में आपको बल की कमी नहीं रहेगी, आप एक बलवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बलवान ही नहीं, इस समय में आप श्रीमान भी कहलाएंगे, लोग समाज आपको मान सम्मान देगा। आपको बता दूं कि न्याय की तरफ आपका रुझान रहेगा, न्याय व्यवस्था में आपकी रुचि रहेगी, इसलिए आप न्यायवान भी कहलाएंगे। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू से अगर जूझ रहे हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। सूर्य छठे भाव से सप्तम भाव में 16 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे। 16 जुलाई को जब सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, स्त्री क्लेश कारक योग बनेगा। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री से आपको टेंशन तनाव की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको पुरुष से, अपने जीवन साथी से टेंशन तनाव के योग बनेंगे। आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, आपकी स्वाभिमान, आपका अंदर से जो भावना है वो इस समय में बड़ी मजबूत रहेगी। थोड़ी सी कठोरता देखने को 16 जुलाई के बाद सूर्य के कारण मिल सकती है। अपने आप में आप लीन रहेंगे, कहीं से किसी व्यक्ति विशेष से आपको अपमान का भी 16 जुलाई के बाद सामना करना पड़ सकता है, और किसी विषय को लेकर के आप थोड़े से चिंतित भी इस समय में देखने को लग सकते हैं। किसी बात को लेकर के आपके मन में चिंता भी जागृत हो सकती है। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अब बारी आती है मंगल देवता की। मंगल देवता आपके कुंडली के चौथे भाव में मेष राशि में विराजमान है, जो 12 जुलाई तक चौथे भाव में मेष राशि में ही
रहेंगे। 12 जुलाई तक चौथे भाव में मंगल के रहने के कारण आपको वाहन के सुख का योग बन रहा है, संतान का भी सुख प्राप्त होगा, संततिवान आप कहलाएंगे। माता का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, उसका कारण ये हो सकता है कि 12 जुलाई तक माता से कुछ अनबन रहे, अथवा माता को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, अथवा आप ही को कुछ परेशानी हो जाए जिससे माँ का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा। आप जिस जगह पर में आपने जन्म लिया है उस जगह को छोड़ करके कहीं अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वो जाने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आग से आपको भय है, इसलिए अग्नि से सावधान रहे। जीवन को रिस्क में डाल करके किसी प्रकार का काम ना करें। किसान वर्ग के लोगों के लिए समय ठीक है। बंधु विरोधी भी इस समय में आप कहलाएंगे, आपके भाई आपके बारे में ऐसा दुष्प्रचार कर देंगे कि आप उनके सपोर्ट में नहीं विरोध में हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको किसी प्रकार का लाभ भी मिलने की संभावना खूब दिखाई दे रही है। 12 जुलाई के बाद ये मंगल देवता आपके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे, जहां पर में देव गुरु विराजमान है। इनके साथ 12 जुलाई के बाद इनकी युति बन जाएगी। तो मंगल देवता के पंचम भाव में बैठने से आपको 12 जुलाई के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझिए। पंचम भाव में जब वृषभ राशि में मंगल देवता आएंगे तो आपकी बुद्धि बड़ी उग्र हो जाएगी, बुद्धि में उग्रता देखने को मिलेगा। तुरंत तक्षण शीघ्रता से क्रोध से लिया गया निर्णय होगा। मन में कुछ कपट की भावना भी आ सकती है, कुछ व्यसन आपको घेरने का प्रयास कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें डूब जाएंगे, वो प्रयास कर सकता है, वो आपको बचना है कैसे वो आप जाने। देवी और सज्जनों, हेल्थ वाइज कुछ इशू देखने को मिल सकती है, पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। किसान के जो शरीर है उनका शरीर इस समय में और मजबूत देखने को मिलेगा। गुप्तांग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, कुछ चंचलता, बुद्धिमानी आपको प्राप्त होगी। संतान से किसी बात को लेकर के आपका वाद विवाद हो सकता है, आपके विचार जो है सो नहीं मिल सकते हैं, जो थोड़ा सा आपके मन को परेशान कर देगा, क्लेशित करने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, मंगल जब 12 जुलाई के बाद यहाँ से यहाँ पे आ गए, यानी कि चौथे से पंचम में आए, तो समय बहुत खराब नहीं हो गया, लेकिन कुछ सेलेक्टेड मामलों में थोड़ी सी परेशानी आई, जैसे कि गुप्तांग से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी और संतान से कुछ टेंशन तनाव का हल्का फुल्का योग। तो इस सब पर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद अब बुध की बात करेंगे। बुध देवता आपके कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में विराजमान है। कुंडली के सप्तम भाव में बुध देवता 19 जुलाई तक रहेंगे, जो सबसे पहले तो सुंदर जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका से आपको भेंट करवाएंगे, आपका आकर्षण होगा। आप इस समय में विद्वान कहलाएंगे, आपके कर्म को देखते हुए लोग ये कहेंगे कि ये बड़ा कुलीन परिवार का है, ये बड़ा खानदानी व्यक्ति है। बिजनेस व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, धन के तरफ भी अच्छा रुझान रहेगा, तो धनवान भी बनेंगे। काम वासना की कुछ अधिकता रह सकती है और अपने से अपोजिट जेंडर के तरफ थोड़ा सा ज्यादा रुझान हो सकता है, और वो लोग भी आपको थोड़ा ज्यादा प्रेम दे सकते हैं। बुध जब 19 जुलाई को कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, तो आपकी जिंदगी पर में अगर किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला है तो बुध देवता उसको मिटाने का प्रयास करेंगे, अर्थात आपको दीर्घायु बनाने की कोशिश करेंगे। हर तरफ से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग बनेंगे। थोड़े से अभिमानी थोड़े से अहंकारी भी आप हो सकते हैं। किसान वर्ग के लोगों के लिए बढ़िया समय है, आप राजमान्य कहलाएंगे।
मानसिक तौर पर में किसी चीज को लेकर के आपके मन में दुख भी हो सकता है। आप एक अच्छे कवि भी कहलाएंगे, एक अच्छे वक्ता भी कहलाएंगे। इतना ही नहीं, इस समय में आपके अंदर न्याय करने की क्षमता होगी, धन की प्राप्ति होगी, इसलिए धनवान भी आप कहलाएंगे। और सिर्फ धनवान नहीं, कुछ धर्म का पालन करेंगे, इसलिए धर्मात्मा भी कहलाएंगे। तो बुध का जो रिजल्ट है, सो मैं ये देख रहा हूं कि पूरा का पूरा महीना बुध आपके लिए फेवरेबल है। बात करेंगे देव गुरु की, तो देव गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में देव गुरु के विराजमान होने के कारण इस समय में आपकी आस्था जो है सो ईश्वर के प्रति और बढ़ जाएगी और गहरी हो जाएगी। आप एक अच्छे ज्योतिषी के तौर पर में भी जाने जाएंगे। ज्योतिष विद्या की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, आप लोकप्रिय भी कहलाएंगे। लोकप्रिय का क्या अर्थ है कि समाज के लोग आपको खूब पसंद करने का प्रयास करेंगे और आप भी उनके साथ हिलमिल कर रहेंगे। अपने कुल में आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति का किरदार निभा सकते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, किसी भी प्रकार का इस समय जो अचानक से धन लाभ का योग है वो आपको मिल सकता है। संतान का सुख मिलेगा और नीति विशारद बनाने का प्रयास करेंगे आपको देव गुरु बृहस्पति। गुरु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों शुक्र की। शुक्र आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव में शुक्र का विराजमान होना आपके लिए कैसा रहेगा उसको समझिए। शुक्र छठे भाव में विराजमान है, इसीलिए ये शुक्र जो है सो आपको, अच्छा कब तक विराजमान है, तो 7 जुलाई तक। 7 जुलाई तक ये शुक्र छठे भाव में विराजमान है। शुक्र के कारण 7 जुलाई तक कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के सुख में कमी देखने को कुछ मिल सकती है। दोस्तों की संख्या खूब बढ़ती हुई नजर आएगी। आप थोड़े से आचरण चरित्र में कमजोर पड़ सकते हैं, उस पर मैं आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मूत्र से संबंधित रोग कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है और आप एक वैभवहीन व्यक्ति के तौर पर में भी इस समय में शुक्र आपको जानने का प्रयास करेगा। किसी बात को लेकर के आपके मन में दुख हो सकता है, गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है। स्त्री की तरफ आपका प्रेम, आपका झुकाव विशेष देखने को मिलेगा, लेकिन वहां से सुख आपको बहुत कम प्राप्त होगा। शत्रु का नाश होगा जरूर, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। खर्च भी करेंगे लेकिन मितव्ययी बने रहेंगे, यानी कि बहुत मिला जुला करके ठीक ठाक मामले में खर्च करेंगे, पैसे की बर्बादी नहीं। 7 जुलाई के बाद जब ये शुक्र देवता कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, आपको फिर स्त्री के सुख का योग बनेगा। आप एक उदार प्रकृति के व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, फिर लोकप्रिय भी कहलाएंगे, धन की भी प्राप्ति होगी इसलिए धनिक भी कहलाएंगे। चिंतित बने रहेंगे थोड़े से, किसी विषय को लेकर के, किसी बात को लेकर के चिंता ज्यादा रहेगी। जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा, साधु संत के तरफ प्रेम बना रहेगा, काम वासना की अधिकता देखने को मिलेगी, थोड़ा सा व्यभिचार अल्प व्यभिचार भी देखने को मिलेगा। बुद्धि बड़ी चंचल, भोग विलास करने का समय, गायन वादन प्रिय और भाग्यवान आप बने रहेंगे। यानी कि आपके लिए जो ये समय है शुक्र के तरफ से जो थोड़ा सा खराब भी है तो थोड़ा सा अच्छा भी। अब थोड़ा सा कर्म फलदाता शनि की बात कर लेते हैं। शनि आपके कुंडली के दूसरे भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। यहाँ पर मैं विराजमान होने के कारण कुछ हेल्थ वाइज इशू, मुख से संबंधित रोग परेशान कर सकता है। साधु संत से किसी बात को लेकर के द्वेष अथवा मन में उनके प्रति मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी। भाषा बड़ी कटु देखने को मिल सकती है। शनि के बाद राहु की अगर बात करें तो राहु आपके कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है और तीसरे भाव में राहु के विराजमान होने के कारण आप योगाभ्यासी कहलाएंगे। इसमें योग की तरफ आपका रुझान, पराक्रम में कमी,
विवेक में बहुत दृढ़, अरिष्ट का नाशक, बलवान विद्वान और एक अच्छे व्यवसायी के तौर पर भी आप जाने जाएंगे। राहु के बाद केतु की अगर बात करें तो केतु आपके कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर मैं बैठा हुआ है, और नवम भाव में केतु के बैठने के कारण क्या होगा कि ये आपको सुखाभिलाषी बनाएगा, सुख की खोज आप करेंगे, बिना मतलब का परिश्रम भी खूब करेंगे और किसी मामले में कुछ अपयश के भी भागी आप बन सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।